वेलकम एवरीवन। मैथ पर पटवारी एग्ज़ाम के लिए ये पार्ट थर्ड है हमारा। इससे पहले पार्ट दो मैं और बना चुका हूँ, तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप मैथ के प्रैक्टिस सेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित देख सकते हैं। साथ ही साथ जीके जीएस मैथ और मैनेजमेंट के भी आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम पटवारी भर्ती यानी कि 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मैथ पर आधारित प्रैक्टिस सेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर हम शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये जो आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, इसको हम लिख लेंगे क्या इस फॉर्मूले से, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बराबर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, 1। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243/4 है, वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, और सॉरी समबाहु त्रिभुज जो है आपका, तो इसमें कुल तीन त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का, इसका एरिया होता है एक कॉल, आपका एरिया हो जाएगा √3/4 a². तो हमें एरिया यहाँ पर दिया हुआ है √243/4, और बराबर में जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हम रख लेंगे √3/4 a². तो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आप √243 को क्या लिख सकते हो, 81 गुणा √3, और बराबर में आपका क्या है √3 a², ये 4 से नीचे का 4 हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा, और √81 से जब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो 9 मिल जाएगा, 9 * 81 होता है बराबर a², तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, और √9 का मान क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका सभी भुजाएं क्या होता है आपका, बराबर होता है, और ए का वैल्यू आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला 3 सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो वर्गों का परिमाप 68 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल उन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो दो वर्ग आपको दिए हुए हैं, एक का परिमाप 68 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक का 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ग होता है हमारा उसका चारों भुजाएं हमारा बराबर होता है, तो पहले वर्ग का जो है आपका परिमाप दिया हुआ है 68, तो 68/4 करेंगे आप, तो उसका पहले वर्ग का ए वन आपको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। इसी तरह 60 में आप 4 से भाग करेंगे तो आपको दूसरे वर्ग का भुजा कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो पहले वर्ग का आपका जो है क्षेत्रफल ए वन आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ए और ए क्या हो जाएगा, a² बराबर यानी 17 का स्क्वायर यानी 289। इसी तरह a² आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15 का स्क्वायर यानी कि 225। और प्रश्न में आपको दिया हुआ है उस तीसरे वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है जो बन रहा है इन दोनों के अंतर से, जिसका क्षेत्रफल दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इनमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64। तो a³ जो बन रहा है अंतर से उसका एरिया है 64, और वर्ग ही बन रहा है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो a² बराबर आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो a बराबर आपको 8 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका एक भुजा हो जाएगा, और आपसे पूछा हुआ है क्या, परिमाप पूछा हुआ है तीसरे वर्ग का, तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4a होता है, तो a का वैल्यू है आपका 8, तो 4a कितना हो जाएगा, 8 * 4 = 32। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बैक करके देख सकते हैं, आपने को निश्चित ही ये समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक मेथड से मैं बताया हुआ हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है तब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यू
बराबर 729 घन की जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी बराबर होती है, इसीलिए इसका आयतन ए क्यूब होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपको 9 मिल जाएगा। आपसे पूछा हुआ है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल घन का क्या होता है आपका 6a² तो ए का वैल्यू आपका कितना है 9 है, तो 9 × 9 ए स्क्वायर है क्योंकि, तो 9 × 81, 81 का गुणा जब आप 6 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 486। तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 486 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक छोटा लड़का एक पतंग उड़ा रहा है, पतंग का धागा जमीन से 30 डिग्री कोण पर बनता है, पतंग की ऊंचाई 21 मीटर है, तो धागे की लंबाई मीटर में ज्ञात करो जिसका इस्तेमाल लड़के ने किया है। तो मान लेते हैं ये कोई लड़का है जो बी पॉइंट पर है, ये पतंग उड़ा रहा है यहाँ ए पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है ऊंचाई 21 मीटर आपको ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है धागे की लंबाई यानी बी से ए की दूरी, और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको लंब दिया हुआ है और आपको कर्ण निकालना है, तो जो लंब बटे आपका कर्ण होता है यानी ए सी अपॉन ए बी, यानी ये लंब हो जाएगा इधर ए सी और ए बी क्या हो जाएगा कर्ण आपका, तो लंब बटा कर्ण आपका होता है साइन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री। तो ए सी आपको 21 मीटर दिया हुआ है और ए बी आपको निकालना है, तो इसको हमने एक्स मान लिया है, ये एक्स हो जाएगा और बराबर में साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2, त्रियक गुणा हो जाएगा 21 × 42, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, एक्स बराबर आपका 42 आ जाएगा, 42 मीटर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। वह लड़का जो पतंग उड़ा रहा है तो धागे की कुल लंबाई आपको निकालना था, वो हो जाएगी आपकी 42 मीटर, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोण ए 60 डिग्री है तब कोण बी सी एस का मान होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं ये डायग्राम को बनाया हुआ हूँ, यहाँ पर एक कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है कोण ए, और कोण सी आपको निकालना है, वो भी कौन सा, ये बी सी एस यानी कि ये बी सी एस आपको ये वाला निकालना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोण ए 60 डिग्री दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो यदि कोण ए बराबर आपका 60 डिग्री है तो कोण बी प्लस सी, इसी त्रिभुज में यदि इस मेन वाले त्रिभुज में हम बात करें ए बी सी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। और अब आपसे पूछा हुआ है कोण बी सी एस क्या होगा, यानी कि ये बी सी और एस आपको बताना है, सी इसमें सी का कोण कितना होगा, तो यहाँ पर केंद्र पर बनाए गए हैं वृत्त के अंदर कोण, तो ये जस्ट हाफ हो जाते हैं। तो यदि ये टोटल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया आपका, और ये भी 60 डिग्री हो गया। अब पूछा हुआ है बी सी एस, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो कोण सी क्या हो जाएगा बी सी एस में, कोण सी आपका हो जाएगा 30 डिग्री, आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी उत्पाद की कीमत 10% कम की गई, वस्तुओं की बिक्री की संख्या में 30% वृद्धि हुई, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बताना है। तो मान लेते हैं कोई उत्पाद आप मान सकते हो 10 रुपये का है, तो 10 रुपये उसका क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, और 10 यूनिट वो बेचता था, कुल 10 उत्पाद बेचता था, तो ये कितना 100 रुपये उसका मिलता था। अब आपको बोला गया है कि 10% की उत्पाद में कमी करना है आपको, कम किया गया है, तो ये जो 10 रुपये का था इसका 10% कम करेंगे तो 10 का 10% 1 होता है, तो यहाँ से आप 1 घटा दोगे तो 9 रुपये हो गया ये। और अब आपको बोला गया है वस्तुओं की बिक्री की संख्या में 30% की वृद्धि हो रही है, तो जो ये आपकी यूनिट थी पहले 10 बेच रहे थे, आप इसको 30% बढ़ाना है, तो 10 का 30% 3 होता है, तो 10 में आप क्या कर दोगे 3 बढ़ा दोगे तो 13 हो जाएगा, तो राजस्व क्या हो जाएगा आपका 13 × 9 यानी कि 117। तो पहले उसको 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 117 रुपये मिल रहे हैं, आपको बताना है कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर 17 रुपये बढ़े हैं 100 पर, तो 100 पर 17 क्या होगा 17 ही प्रतिशत होगा, 100 का यदि आप 20% निकालते हो तो 20 होगा, और आपको यहाँ पर 17 रुपये बढ़े हैं तो 100 का 17 क्या होगा 17 ही प्रतिशत होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है
किसी भी प्रश्न से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बहुत आसान मेथड से मैं बता रहा हूँ, और यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। और साथ ही साथ इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप जीके जीएस मैथ मैनेजमेंट के ऐसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमक और पानी के 30 केजी घोल में कितने किलोग्राम शुद्ध नमक मिलाना होगा जिससे घोल में नमक 10% से बढ़कर 25% हो जाए। मतलब अभी 10% क्या है उसमें नमक है, तो मान लेते हैं नमक और पानी का है, तो ये आपका वाटर हो गया और ये आपका सॉल्ट हो गया, यानी कि नमक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद टोटल जो है कितना है, 30 केजी है। तो जब 10 केजी अभी इसमें क्या है, सॉल्ट है, तो यानी कि 90 केजी इसमें, सॉरी 90% इसमें क्या होगा, अभी आपका जो है पानी होगा, और 10% उन्होंने दिया हुआ है कि सॉल्ट है, तो ये 9:1 हो जाएगा। यानी कि जो 30 केजी है, तो 30 यानी कि 9x+x यानी 10x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 30 केजी, तो x बराबर आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा। यानी कि अभी जो है इसमें 27 क्या है आपका, 27 केजी आपका पानी है और आपका 3 केजी नमक है। अब प्रश्न में बोला गया है इसको आपको 25% करना है, तो यानी कि ये जो 27 है आपका, ये पानी है, इसको 75%, यानी कि इसमें अब पानी हो जाएगा और 25% नमक हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं 75% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 केजी। तो यहाँ से आपको 25 केजी इसका निकालना है, क्योंकि 25 केजी आपको नमक करना है, तो इसका 25 केजी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 बनाने के लिए 3 से भागा कर देंगे और यहाँ से भी 3 का हम भागा कर देंगे, तो 25% बराबर हो जाएगा 9 केजी। तो 9 केजी उसमें नमक होगा और 3 केजी उसमें पहले से है, तो 6 केजी नमक आप और मिला देंगे, 6 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा उसमें 25% नमक बढ़कर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा, 6 किलोग्राम उसमें हमें नमक ऐड करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खली का पिछले साल वजन 160 किलो था, इस साल उसका वजन 200 किलो है, उसके वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो वजन है उसको आप घटा देंगे, पहले था 160 अब है 200, तो 40 किलो बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है 40 किलो, अब आपको ये पता करना है। तो 40 किलो बढ़ा है आपका 160 पर, तो 40/160 हो जाएगा, और आपको प्रतिशत में वृद्धि निकालना है, तो आप 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 16 को 4 से आप काटोगे तो यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा और यहाँ पर 4 मिल जाएगा, तो ये 10 × 10 आपका 100, 100/4, 100/4 यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसको गलत नहीं करना है, सीधा सा है, जो बढ़ोतरी हुई है वजन में पिछले साल और इस साल में आपको उसका अंतर निकालना है, और कितने पर बढ़ा है, तो 160 पर बढ़ा है उसका भागा करना है, और प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो 100 से इसमें पूरे में गुणा करना है। इसको हल कर लेंगे तो 25% मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जनमत सर्वेक्षण में 1100 के सैंपल में से 462 लोगों ने किसी विशेष प्रत्याशी को वोट देने का संकेत दिया, प्रत्याशी को कितने वोट पाने की संभावना है यदि जनसंख्या 40,000 है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, 1100 लोगों का सर्वेक्षण किया गया और 462 लोगों ने जो है किसी विशेष प्रत्याशी को वोट देने का संकेत किया, तो 1100 में से कितने लोगों ने जो है उसको वोट देने का संकेत किया है, तो 462 में से, तो 462 ने दिया है 1100 में से, और गुणा कर देना है आपको 100 से, तो ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 462 में जब आप 11 से भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 42%। तो 42% लोगों ने उसको वोट देने का संकेत किया है। अब आपको दिया हुआ है कि उस जो जनसंख्या है वो कुल 40,000 है, तो अब आपको क्या करना है, 40,000 का 42% निकाल देना है, तो उतने वोट उसको मिलने की संभावना है, तो 40,000 का आप क्या कर दोगे, 42% निकाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 42/100, तो 42/100 करोगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और जब 400 का गुणा आप 42 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 16,800,
तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझ लेना है कि 1100 लोगों पर सर्वेक्षण किया गया और 462 लोगों ने किसी एक या विशेष प्रत्याशी को दिया है, तो कितने को दिया है, 462 लोगों ने दिया है और 1100 में से दिया है, तो जितने कुल हैं उसको आप नीचे लिखेंगे। ये सेम उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है जो इससे पहले हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये क्या हो जाएगा, 1100 में से 462 लोगों ने किया है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो हमें मिल गया कि 42% लोगों ने संकेत किया है, कुल 40,000 जनसंख्या दिया हुआ था, तो 40,000 का 42% हमने निकाल दिया, 16,800। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2600 रुपये को दो हिस्सों में इस तरह उधार दिया जाता है ताकि एक हिस्से का 10% दर पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और दूसरे हिस्से का 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है, राशियां ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कुल ब्याज निकालना है। तो ये पहली स्थिति मान लेते हैं हम और ये दूसरी स्थिति मान लेते हैं। पहली स्थिति में 10% पर 5 वर्ष के लिए दिया गया है, तो कुल ब्याज क्या हो जाएगा आपका, दर गुणा समय 50%। इसी तरह यहाँ पर दूसरी स्थिति में 9% पर 6 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 9×56 दर गुणा समय क्या हो जाएगा, कुल ब्याज। साधारण ब्याज में आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, दर का समय से आपका ब्याज मिल जाएगा। तो ये 50% दिया हुआ है पहली स्थिति में ब्याज और दूसरी स्थिति में 54%। इसको हम सरल कर लेते हैं, 2 से काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो ये 25:27 हो जाएगा और कुल राशि आपको 2600 दी हुई है, तो 2600 कुल राशि आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप 25 और 27 को जोड़ दोगे तो 52 हो जाएगा, तो 52x बराबर आपका हो जाएगा ये 2600, तो यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा 50। अब प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है उधार दी हुई राशियाँ ज्ञात करें, तो राशि क्या हो जाएगी जब x का मान आपका 50 है, तो ये 25x था और ये 27x था, तो पहली राशि हो जाएगी आपका 25×50 यानी कि 1250 और दूसरा राशि हो जाएगा आपका 50×27 यानी 1350। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप बैक करके देख लें, आप प्रश्न को निश्चित ही समझ जाएंगे, और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, निश्चित ही आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 4x+3ky=2 और 2x+5y+1 आपका 0 है द्वारा जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान आपको बताना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है। यहाँ पर आप a1/a2 b1/b2 c1/c2, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हैं, कोई ऐसी रेखाएं हैं, ये AB हो गया और ये CD हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर आपको k का मान कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 10/3, 5, -5/3 और -5। तो ये जो फॉर्मूला है, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसी तरह a2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में k का निकाल कर बताना है। और यदि आपने अभी तक एग्जाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो GK GS मैथ के ऐसे ही आसान वीडियो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित देख पाएंगे। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।